अपने बाबा जैसे हो। हाँ वाकई बिल्कुल अपने बाबा जैसे हो। हाँ घर में बाबा के ऐसे बहुत से फोटोज हैं जिनमें मैं उनसे बहुत मिलता हूँ। जब मेरी अम्मी छोटी थी उनकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी थी, बहुत ही खूबसूरत। तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है जान? क्या मैं? पता नहीं, पुरानी फोटोज देखना, उनको देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। ये तुम्हारी अम्मी जान है, बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह। ये मेरी शादी की फोटो है, साथ तुम्हारे दादा जान है। ये तो पहले भी दिखाई थी आपने। देखा तुमने उस वक्त मैं कितनी प्यारी हुआ करती थी। आप तो अभी भी प्यारी हैं दादी जान। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरी जान। दादी जान, बाबा छोटे होते मेरी तरह दिखते थे ना? नहीं, तारिक जब छोटा था तो वो मुराद की तरह था। ठहरो अभी मैं तुम्हें उनकी फोटो दिखाती हूँ। या अल्लाह, यही तो रखी थी। तुम ही तो लेकर आए थे ना वो तस्वीरें? जी हाँ। कहीं अलमारी में तो नहीं रह गई वो? नहीं, मैं तो सभी लेकर आया था। ओहो, आखिर तारिक के बचपन की तस्वीर मिल क्यों नहीं रही? खैर छोड़ो, मैं तुम्हें ढूंढकर जरूर दिखाऊंगी जान। वो दादी जान, अगर बाबा जानी मुराद भाई से मिलते हैं तो फिर मैं किससे मिलता हूँ? अच्छा तुम? फोटो मिल जाए तो फिर तुम्हें दिखाती हूँ, ठीक है ना? मुराद भाई? हाँ बोलो। आप तो दिखने में बाबा जैसे हैं। क्या वाकई में? जी हाँ, एवनी भी दिखने में अपने बाबा जैसा है, एलेक भी अपनी अम्मी से मिलती है। अच्छा तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है? पता नहीं, जब पिक्चर्स मिलेंगी तब दादी जान बताएंगी कि मैं किसकी तरह हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी से ना मिलता हुआ तो? तो फिर क्या हुआ, जरूरी तो नहीं हमारी शक्ल किसी से मिले। अगर आपकी शक्ल बाबा से ना मिलती तो आप बुरा महसूस करते ना? नहीं तो, किसी से शक्ल मिलने या ना मिलने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मैं उदास हूँ? छोड़ भी दो उदासी को, वैसे भी किसी से मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती है। वाकई में? मैं किससे मिलता हूँ? वो तो पिक्चर्स देखने के बाद ही पता लगेगा, अभी तुम फिक्र मत करो जान। चलो अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट जान। गुड नाइट मुराद भाई। भाई जल्दी उठे। मुराद भाई। हाँ? चले भाई जल्दी से उठे ना। हाँ? क्या हुआ? ये देखे। क्या है ये? पता नहीं, ये मेरे बेड पे था, इस पे कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़े? कुछ लिखा है? लिखा हुआ है कि उसको गाड़ी में घूमना अच्छा नहीं लगता, और हाँ ध्यान रहे कि सलून में एक छोटा कॉबॉय भी है। हाँ, अब ये किसने रखा है? पता नहीं, किसने रखा है? उसको गाड़ी में घूमना अच्छा नहीं लगता, और ध्यान रहे कि सलून में एक छोटा कॉबॉय भी है। ये क्या है? चले सलून चलते हैं। वो क्यों? क्योंकि कॉबॉय सलून पर है। यहाँ है। ये रेड किट है। हाँ, आपको छोटे कॉबॉय का पता है? हाँ बिल्कुल, मैं इसे जानता हूँ, बाबा ने एक पुरानी फिल्म में दिखाया था। ये देखें, ये क्या है? ये एक और नोट है। क्या लिखा है इस पर? लिखा है कि सालों पहले एक मशहूर कॉमिक थी और गार्डन में जगोर नाम का एक सुपर हीरो है। कितने फनी नाम है, गजोर। नहीं, गजोर नहीं, जगोर। गजोर तो गार्डन में है, वहाँ चले। भाई आपने पहले गजोर को देखा है? नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो एक पुराना हीरो था।
आपको कैसे पता? ये देखो 1978 लिखा हुआ है। ये लिखा हो तो पुरानी बुक होती है। जी हाँ। एक और हिंट, ये देखे भाई, येलो ऑरेंज ब्लू रेड ग्रीन व्हाइट। अब भला इन कलर्स का क्या मतलब हो सकता है जान, तुम जानते इस हो? इस पर ये नहीं लिखा कहाँ पर है। यहीं कहीं पर होंगे। जी हाँ पता चल गया, वो है क्यूब। हाँ? ये क्यूब क्या है? रूबिक्स क्यूब है, इसको घुमाकर सारे कलर एक ही बॉक्स में लाने होते हैं। कोई गेम है क्या? हाँ ये गेम है, सारे कलर्स को एक ही तरफ करना होता है। मैंने एक दफा ट्राई की थी लेकिन मुझसे नहीं हुआ, बहुत मुश्किल है। वो सातवे पेज है क्या? हाँ बिल्कुल। किसने लिखे होंगे ये पेजेस? जरूर दादी जान ने ही लिखे होंगे ये। किचन की तरफ जाओ, वहाँ पर एक कैसेट मिलेगी, उस कैसेट में तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है, जाकर देखो। हाँ हाँ किचन, ये है कैसेट। यही है। देखें एक और हिंट है। शाबाश मेरे बच्चों, तुम लोग वाकई बहुत ज़हीन हो। जो जो चीजें ढूंढनी थी वो तो तुमने ढूंढ ली हैं। अब जो जो चीजें तुम लोगों को मिली हैं, उन सब को लेकर कमरे में आ जाओ, मैं तुम लोगों का वहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। हाँ, हमारी दादी जान। हाँ बिल्कुल सही, चलो अब चले। हाँ? दादी जान कहाँ है? दादी जान तो कमरे में नहीं है। हाँ वो क्या है? ये तो एक वीआर है, इसमें कैसे डलती है? भाई आप चेक करें। हाँ वो देखो जान, रेड किट। ओ भाई ये तो आप हैं। तुम्हारे बाबा है वो। हा? तुम लोग अपने बाबा का बचपन देखना चाहते थे ना? देख लो ये है वो। बहुत फनी है वो, देखो उन्होंने रूबिक्स क्यूब बना ली। हाँ वो बहुत अच्छा बना लेता था। मुराद भाई आपकी शक्ल तो बाबा जैसी है। हाँ बिल्कुल छोटा तारिक। हाँ बिल्कुल सही है, तो मेरे जैसे हैं। जॉन ये फोटो यहाँ पर कैसे आ गई? ये तो मेरी पिक्चर है। नहीं हाँ? तो फिर किसकी है? तुम्हारे दादा जान की। हाँ? जान तुम बिल्कुल अपने दादा जैसे हो। इसका मतलब मेरी शक्ल दादा जान से मिलती है। हाँ बिल्कुल छोटे जनाब, ऐसा ही है। भाई बाबा जानी से मिलते हैं और मैं दादा जान से। हाँ बिल्कुल। दादा जान के कोई और फोटोज हैं आपके पास दादी जान? हाँ एक दो और होनी तो चाहिए, मुझे अपने बैग में ढूंढना होगी।